हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज मैं आप सबके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लाई हूं, जिसके लिए मैंने एक स्क्वायर कपड़ा लिया है। इससे मैं आज आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगी, जो कि लोगों की बहुत ही शिकायत रहती है कि उनकी डोरी अच्छी नहीं बनती है। तो उसके लिए हमें हमेशा उरेब पट्टी काटनी पड़ती है। तो मैं इसे इस कपड़े को बिल्कुल तिरछी काट लूँगी बीचों बीच से। अब मैं एक पल्ले को हटा लेती हूँ और एक पल्ले से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तिरछी हो गई है, बिल्कुल उरेब हो गई है। तो इससे अब हम पट्टी काट लेंगे, जिससे हम डोरी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगभग 1.25 इंच का एक पट्टी काट ली हूँ। मैं अब आपको इसे नाप कर दिखाती हूँ। ये 1.25 इंचेस की है। आप इसी तरीके से एक और पट्टी काट लें, क्योंकि हमें अक्सर लंबी डोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें पट्टियों को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसे आपस में जोड़ के भी बताऊंगी कि इसे हमें किस तरीके से जोड़ना है, ताकि वो हमारी डोरी के लिए परफेक्ट रहे। तो आप देख सकते हैं, हमें इस तरीके से दोनों छोर को मिलाकर जोड़ना है। हम इस तरीके से इसे रख लेंगे ताकि ये वी का शेप बन जाए। अब हम इस साइड से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डोरी बनाने का तरीका बताऊंगी, और मैं एक नहीं दो तरीकों से मैं डोरी बनाने का तरीका बताऊंगी, ताकि जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देखकर डोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैंने दोनों को आपस में जोड़ लिया है। अब जो हमने जोड़ लगाई है, उन दोनों पल्लों को हम आपस में खोलकर नाखून से दोनों पल्लों को सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम और भी लंबी डोरी बना सकते हैं। तो पट्टियों को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी, जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है। अब देख सकते हो अच्छे से। अब मैं इस पर बारीक पे सिलाई कर लूँगी। तो हमें जिस तरीके से जितनी पतली डोरी बनानी है, उतनी पतली हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ से इतनी पतली डोरी भी बना सकते हैं, इतनी पतली भी, और आप जितनी पतली या जितनी मोटी डोरी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप इस पर सिलाई करें। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो मशीन में सीधी लाइन बनी रहती है, आप उसके ज़रिए अब डोरी के लिए सीधी सिलाई कर सकते हैं। आप उसे कपड़े को उसके अकॉर्डिंग रख कर और सिलाई करें, तो जो हमारी सिलाई है वो सीधी होगी और हमारी डोरी है वो बिल्कुल बराबर बनेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डोरी बना रही हूँ। अब उसी को मैं ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई करूंगी। अब सिलाई करते वक्त उस निशान को, उस लाइन को अच्छे से ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करते हुए पूरी डोरी पे सिलाई कर लें। अब इसी तरीके से हम पूरी डोरी पे सिलाई कर लेंगे। अब जो हमने जहाँ पे जोड़ लगाया था, उन दोनों को मैंने आपस में पल्लों को खोल दिया था, तो उसी तरीके से हम उसे खुले रहने देंगे, ताकि हमारी जो डोरी है वो कहीं पे मोटी पतली ना बने। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने पूरी पट्टी पे सिलाई कर ली है। बिल्कुल हमारी जो सिलाई है वो एकदम बराबर हुई है। आप देख सकते हो, उस लाइन के वजह से मैंने जो सिलाई की है वो बिल्कुल इक्वल है। अब इसमें हमारी जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है, उसे मैं कट कर लेती हूँ। अगर आपको फैब्रिक ज़्यादा लग रही है तो आप इसे कट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसमें तिरछी कट लगा लेंगे, ताकि जब हम डोरी को पलटें तो बिल्कुल आसानी से पलट जाए। अब देख सकते हो, इस तरीके से हमें तिरछी कट लगा लेनी है। इससे हमें डोरी पलटने में काफ़ी आसानी होती है। तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जब आप डोरी पलटिएगा। आप
इस साइज की सुई ले सकते हैं, इससे बड़ी या इससे छोटी भी सुई से डोरी पलट सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इसमें धागे को समा लिया है, अब इसमें मैंने गांठ लगा ली है। आप इसमें 2-3 फोल्ड करके धागे को लगाएं ताकि ये मजबूत रहे, ताकि जब हम डोरी पलटें तो ये बीच में टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही आराम से क्लियरली आपको दिखाया कि हमें किस तरीके से हमें नीचे वाले कोने पर एक नोट लगानी है ताकि ये अच्छे से पकड़ में आ जाए। इस तरीके से मैं इसमें नोट लगा लूँगी। अब हम सुई लेंगे और सुई का आगे का हिस्सा नहीं, हम इसे पलटकर पीछे वाले हिस्से को की मदद से हम इसमें डोरी को पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पीछे वाली को हम इस सिलाई वाले हिस्से में अंदर की तरफ डालेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचते हुए हम नीचे की तरफ ले आएंगे। तो आप वीडियो में बहुत ही आसानी से देख सकते हो मैंने किस तरीके से पूरे फैब्रिक पे इस सुई को बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, हम इसे धीरे धीरे करके खींच लेंगे। और यहाँ पे हमें बिल्कुल ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम इसे लास्ट पॉइंट पे किस तरीके से डोरी के लिए फोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमें करना क्या है कि हमने जो नोट यहाँ पे किया था उस नोट को हमें अच्छे से वहाँ पे क्लियर रखना है ताकि वो अंदर की तरफ अच्छे से चले जाए। तो इस नोट को हमें अंदर की तरफ ढकेलना है और जो हमारा बाहर का फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ पुश करना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा कि मैं इसे किस तरीके से यहाँ पे नोट को अंदर की तरफ ढकेलूँगी और जो ऊपर वाली फैब्रिक उसे बाहर की तरफ पुश करूँगी। तो इसी तरीके से हमें हल्के हल्के इसे बाहर की तरफ पुश करना है। आप देख सकते हो हमारा नोट अंदर की तरफ चला गया है और ये इसी तरीके से अंदर की तरफ होते हुए हमारे इस छोर से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें हल्की हल्की इसे खींचनी है। अब ध्यान रखिए कि बीच में हमारी डोरी टूट ना जाए, इससे हमारी डोरी बनेगी नहीं। बिल्कुल हल्के हल्के इसे खींचना, ये बिल्कुल ही आसान है। आप इसे ट्राई करिए, ज़रूर आपसे बनेगी और बहुत ही अच्छी डोरी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे खींचती हूँ। अब देखिए ये हमारी बाहर की तरफ आ गई है, जो डोरी है वो बनकर बाहर की तरफ बहुत ही आसानी से आ गई है। अब जहाँ पर मैंने जॉइंट लगाया है वहाँ पे हमेशा कपड़ा जो है वो जमा हो जाता है, यानी फैब्रिक जमा हो जाती है। तो आप इसे वहाँ पे थोड़े अच्छे से खींचे ताकि वो अंदर की तरफ आराम से चले जाए और जो हमारी डोरी है वो बाहर अच्छे से गोल बन के आ जाए। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी डोरी बनी है, बिल्कुल बराबर, पूरी डोरी हमारी एक बराबर बनी है। तो आप देख सकते हो इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही आसानी से ये बन गया है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस डोरी को देखकर जरूर बनाकर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी डोरी कैसे बनी है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से डोरी बनाने का तरीका बता दिया है, बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही साफ साफ। तो आप इस वीडियो को देख कर डोरी को ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसमें लटकन बना देती हूँ जो कि इस डोरी को और भी खूबसूरत बनाएगी। तो आप इस वीडियो में इसे देख सकते हो और इसे ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट करना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लटकन बना है, डोरी जो हमारी है वो बहुत ही गोल बनी है। आप इसे अपने ब्लाउज़ के लिए या कुर्ती के लिए डोरी बना सकते हो, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से डोरी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो मैं इस डोरी के लिए भी ये फैब्रिक ली हूँ जिसको मैंने स्क्वायर में रखा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि हम इसकी कटिंग कैसे करनी है और इसे हमें डोरी कैसे बनानी है। लोगों को डोरी के लिए कपड़े को कटिंग करना ही नहीं आता, जिससे उनकी डोरी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए हमें उरेप इसे काटनी पड़ती है, इसके लिए मैंने स्क्वायर लिया है। इस तरीके से हमें इस छोर से और उस छोर तक बिल्कुल इसे तिरछी कट कर लेनी है। अब देख सकते हो ये दो पार्ट में कट हो चुका है, तो मैं एक पार्ट को यूज़ करती हूँ, एक पार्ट मैं हटा देती हूँ। इस पार्ट से मैं पट्टी काट लूँगी जो कि हमारी उरेब पट्टी कटेगी। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल उरेब हो चुकी है, अब इससे हम पट्टी कट कर लेंगे। तो इसे पट्टी कट करने के लिए मैं 1 इंच का नाप ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमें कितनी कपड़ा लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं 1 इंच पर मार्क करती हूँ
और 1 इंच की तिरछी पट्टी कट कर लूँगी, यानी उरेप पट्टी। तो इस तरीके से मैं एक पट्टी कट कर ले रही हूँ। अब इसी तरीके से मैं दूसरी पट्टी भी कट कर लूँगी बिल्कुल इसी के नाप से, क्योंकि अक्सर हमें लंबी डोरी की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए हमें कपड़े को जोड़ना पड़ता है, फैब्रिक को जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसमें आपको जोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमें इसे किस तरीके से जोड़ना है ताकि इसमें हमारी उरेब कैसे जुड़ती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें दोनों पट्टी को इस तरीके से तिरछी रहनी चाहिए, इस तरीके से तिरछी रहनी चाहिए। अभी दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। उसके लिए हम इसे पलट लेते हैं और पलट के बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे कि वो वी का शेप ले लें। आप देख सकते हो ये वी का शेप ले चुका है। अब इसी तरीके से हम रख कर इस पट्टी को जोड़ लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। इसमें मैं आपको अदर कलर के धागे से सिलाई करके बता रही हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे और आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इस तरीके से हमने जो जॉइंट किया है वहाँ पर हम इन दोनों पल्लों को आपस में खोल लेंगे और नाखून से दबा लेंगे ताकि इससे हमारा जो डोरी है वो मोटा पतला ना बने। जब हम इसे आपस में खोल लेते हैं तो हमारी जो डोरी है वो इक्वल बनती है। अब इसी तरीके से मैं इसे और भी लंबे इसमें जोड़ी पट्टी जोड़कर इसे और भी लंबी डोरी बना सकती हूँ। अब मैं आपको एक डोरी की मदद से बहुत ही आसान तरीके से डोरी पलटने का मेथड बताऊंगी। इस धागे की मदद से हम बहुत ही आसान तरीके से डोरी पलट सकते हैं। आप अपने घर में देख सकते हैं कि जो हमारी माँ है या दादियाँ हैं वो हमारे कपड़े जो मोटे धागे सिलाई करती है, या फिर जो ऐसी डोरी आपको घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तो आप इस डोरी को भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपके पास ये डोरी नहीं है तो हम जो नॉर्मल धागा यूज़ करते हैं उसके मदद से भी हम डोरी बना सकते हैं। तो चलिए हम इस धागे से आपको डोरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। हम ये धागे को लेंगे और इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बहुत ही साफ साफ दिखाया है। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसे वापस से ट्रिपल फोल्ड करूँगी। आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरीके से बता रही हूँ। दरअसल फ्रेंड्स, मैं इसे कम से कम 8 या 10 बार फोल्ड करके इस डोरी को, इस धागे को मैं मोटी डोरी का रूप दे रही हूँ ताकि जब हम इससे डोरी पलटें तो बिल्कुल नहीं टूटे और बहुत ही आसानी से पलट जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे बहुत ही बार फोल्ड कर लिया है जिससे ये जो डोरी है वो मोटी बन चुकी है, जिससे जब हम डोरी पलटने के लिए इसे यूज़ करेंगे तो ये हमारी काफ़ी मजबूत डोरी बनेगी। इस तरीके से हमें इसे कम से कम 8 से 10 बार फोल्ड कर लेना है ताकि बिल्कुल मोटी डोरी बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोटी डोरी बनकर तैयार है। अब इसकी मदद से हम फैब्रिक से डोरी बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है, और मैं इस वीडियो में यही बताना के लिए आपको इस वीडियो को मैं बनाई हूँ। आप इस डोरी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, और नहीं है तो फिर हम उस डोरी का भी उपयोग कर सकते हो। चलिए हम इस डोरी से आपको फैब्रिक का डोरी बनाकर दिखाते हैं। तो ये जो मैंने पट्टी लिया है उसके बीचों बीच इस डोरी को हम रख लेंगे। इस तरीके से हमें इस डोरी से के बीचों बीच इस धागे को रख लेना है। अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं, या आप इसमें हाथ वाली सुई की मदद से गांठ भी लगा सकते हैं। तो मैं मशीन के मदद से इसमें बिल्कुल बारीक सिलाई करते हुए इसे जड़ लेती हूँ ताकि ये जो है वो हमारा खुलकर बाहर नहीं आए, ये फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये बिल्कुल फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच हो चुकी है। मैंने इसे बिल्कुल बीचों बीच रखा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें धागे को बीचों बीच रख कर कपड़े को फोल्ड कर और इसमें स्टिच कर लेनी है ताकि वो फैब्रिक से अटैच हो जाए। मैं इसे आपको अच्छे से खोल कर दिखाती हूँ। हमें इस तरीके से बीचों बीच रखना है और इस पर डोरी बनाने के लिए हमें बिल्कुल धागे के किनारे पे स्टिच करनी है। तो आप जितनी पतली डोरी बनाना चाहते हो उसी के हिसाब से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम मशीन में दिए हुए लाइन का के मदद से एक सीधी लाइन पे सिलाई कर सकते हैं। तो आप उसकी हेल्प से इसमें बिल्कुल अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इस लाइन के थ्रू अच्छे से सीधी सिलाई करके दिखाती हूँ, जिससे हमारी जो डोरी है वो बिल्कुल इक्वल बनेगी, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली बिल्कुल नहीं बनेगी।
आप इसे इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से स्टिच करने के लिए बिल्कुल उस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्टिच किया है, जिससे जो हमारी डोरी है वो बिल्कुल सीधी बनेगी और बिल्कुल एक साइज की बनेगी। तो हम इसी तरीके से इसे स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए, धागे को मैं बिल्कुल बीच में रखती हूँ कपड़े को फोल्ड करके और एक सीधी सिलाई कर लेती हूँ। अब ध्यान रखिए कि जो हमने अंदर में धागा यूज़ किया है वो स्टिच में ना आए, उससे हटकर ही हमारी जो सिलाई है वो हो। इसी तरीके से हमें धागे को बीच में रखकर पूरी डोरी पे सिलाई कर लेनी है। अब जितनी लंबी डोरी बनाना चाहते हो उतनी उससे थोड़ी सी लंबी एक्स्ट्रा धागे को लेना, ताकि जब वो हमें खींचना पड़े तो वो हमारा छोटा ना पड़ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने डोरी से एक्स्ट्रा बड़ा धागा को लिया है। इसी तरीके से मैं पूरे फैब्रिक पे स्टिच कर लेती हूँ। अब देख सकती हो जो हमारी सिलाई वो बिल्कुल बराबर पे हुई है। अब जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसे पलटी तो वो बिल्कुल ही अच्छे से पलट जाए। अब मुझे नीचे से धागे को धीरे धीरे खींचना है। अब वीडियो में बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से हल्के हल्के फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचा है। इससे हमारी जो है वो चुन्नट बनती जा रही है। इस तरीके से जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हल्की हल्की चुन्नट वहाँ तक बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे नोट किया है उसे हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और जो ऊपर का फैब्रिक है उसे हम बाहर की तरफ ठेलेंगे। इससे जो नोट है वो हमारी अंदर की तरफ जाएगी और यही हमारी डोरी बनेगी, जिसे हमें अंदर की तरफ पुश करना है और जो फैब्रिक उसे बाहर की तरफ ठेलना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, ताकि इसी से हमारी डोरी बनना स्टार्ट होती है। इसलिए मैं आपको इसे बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ साफ दिखाना चाहूँगी कि आप इसे किस तरीके से खींचेंगे, ताकि जो डोरी है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से बनकर बाहर आ जाए। इस तरीके से हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है। आप देख सकते हो जो हमारी फैब्रिक है वो अंदर की तरफ जा रही है और जो डोरी है हमारी वो बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ बनते हुए आ रही है। इसी तरीके से हमें पूरे फैब्रिक को खींच कर बाहर डोरी को निकाल लेने हैं। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो डोरी बनाने की मैंने जो मेथड बताई है वो आपके काम आ सके और आप बहुत ही आसानी से डोरी बना सकें। लोग डोरी बनाने को बहुत ही मुश्किल समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में मैंने तो इसे और भी आसान बनाकर आपको बता दिया है। तो आप इसे बना सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं जो डोरी के मदद से बनते हैं, तो आप वो बना पाओगे और अपने कुर्ती पे डोरी या फिर ब्लाउज़ पे डोरी पे लटकन वगैरह बना सकते हो। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से दो मेथड से डोरी बनाने का तरीका बताया है, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो डोरी है वो कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल गोल बनी है और बराबर बनी है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर लेती हूँ। तो आप इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट जरूर करना कि क्या आपने डोरी बनाया, और बनाया तो आपकी डोरी कैसे बनी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे भी और भी अच्छे ट्यूटोरियल वीडियो एंड कुर्तीज़ नेक डिज़ाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, प्लाजो पैंट डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन वगैरह मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लेकर इसमें एक ब्यूटीफुल लटकन को दिखाना चाहा है, जो कि इस डोरी को और भी खूबसूरत बना देगी। तो चलिए मैं इसे स्टिच करके आपको इस डोरी को दिखाती हूँ। स्टिच हो चुकी है, आप देख सकते हो ये लटकन के साथ ये डोरी कितनी खूबसूरत लगी है। तो आप अपने ब्लाउज या कुर्तीज़ वगैरह के लिए ये डोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में दो तरीक़ों को देखकर आप डोरी बनाना बिल्कुल ही सीख गए होंगे और आज के बाद से आपको डोरी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो
थैंक यू फ्रेंड्स।